हेलो एवरीवन वन स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एट्थ क्लास का चैप्टर फोर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसे पहले वाले पार्ट में ना हमने मेलेबिलिटी कवर किया था ना इसमें थोड़े से और फीचर्स हैं मेटल्स के जो हम कवर करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं देखो उसने क्या बोला है क्या कभी आपने एक हॉट मेटल पैन को अपने हाथों से पड़ा मतलब पकड़ा है जो जिसके पीछे वुडन का हैंडल या फिर प्लास्टिक का हैंडल ना लगा हो तो इसमें लिखा है कैन यू होल्ड अ हॉट हॉट मेटैलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट मतलब आप उसके उस हैंडल को ना पकड़ो और डायरेक्टली उसको अगर लाइक छूने की कोशिश करो तो ऐसा नहीं हो पाएगा व्हाई क्योंकि वो जो गर्म है जो भी अगर उसमें वुडन का या प्लास्टिक का कुछ नहीं लगा हुआ हैंडल तो आपके हाथ बर्न हो सकते हैं ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आप ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जिसमें आपने नोटिस किया हो कि वुडन या प्लास्टिक हैंडल ने आपको चोट लगने से बचाया ठीक है और इसके बेसिस पे आप लोग क्या बोल सकते हो रिगार्डिंग वुडन वुडन प्लास्टिक आप लोग ये बोल सकते हो कि कुछ ऐसा होता है उसमें जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं होने देता ठीक है यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो अपना स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है ठीक है उसके अलावा काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव तो ऐसा नहीं है कि जिस पर्टिकुलर uh, जिस टाइप का जो उसका मेटल का टिप होता है ना स्क्रूड्राइवर का वैसे ही उसका पीछे वाला हैंडल हो बिल्कुल अलग होते हैं सो so, अब उसने पूछा है कि इसका हैंडल ऐसा क्यों होता है क्या होता है जरा देखते हैं तो ये बीच में देखो यहाँ पे भी उसने क्या किया है इलेक्ट्रिक टेस्टर में ये पर्टिकुलर आयरन नेल यूज किया है इसने क्या बोला आपने सिक्स क्लास में कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे आपने किए होंगे या स्कूल में करवाए होंगे तो उससे हमें कुछ चीजों का आइडिया मिला कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो रही है तो एक जगह दूसरी जगह जाके एंड भी होगी वो पूरा अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देती हैं ठीक है ठीके? अब एक बार देख लेते हैं यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर तो जब आप इस चारों के साथ इलेक्ट्रिसिटी को मतलब देखोगे ना कि वो कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा तो आप लोग नोटिस करोगे कि जो आयरन रॉड है या फिर नील है या कॉपर वायर है ये तो बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन शल्फर पीस कोल पीस ये पुअर कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास ऑन नहीं होने दे रहे ओह द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंसिस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो है शल्फर एंड कोल दोनों ही मेटल नहीं है नॉन मेटल के अंदर आएंगे तो ये एक्टिविटी हमने इसलिए करी ताकि आपको आइडिया लगे कि जो मेटल्स होते हैं मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमने ऐसी एक्टिविटी करके या अपने पास्ट एक्सपीरियंसिस से एक चीज सीखी कि मेटल्स ना हीट कंडक्ट मतलब सारे नहीं नॉर्मली बोल रहे मेटल्स क्या करते हैं हीट को भी कंडक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देते हैं ठीक है तो एक फीचर हमने जो पढ़ा कंडक्टिविटी नॉर्मली हम उसे कह सकते हैं चाहे वो गुड कंडक्टर है हीट के या इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वेर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई जगह पे एल्यूमिनियम वायर्स होती है कई जगह पे कॉपर वायर्स होती है लेकिन क्या आपने कभी कोल की वायर्स देखी है जो कोयल कोयला होता है उसकी कभी वायर्स देखी है नहीं देखी होगी ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायरस इज डक्टिलिटी वायरस सॉरी बोल रू वायरस बेसिकली ये प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम उसको पतली पतली वायर में कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड द डक्टिलिटी व्हाट डू वी कॉल इट वी कॉल इट डक्टिलिटी और इससे पहले एक चीज हमने पढ़ी थी दैट इज मेलेबिलिटी जिसमें हमने देखा कि मेटल्स को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet plate, a metal coin, and a piece of coal on the floor? Now, a core point pe aa gaye. Dekho, yaha pe malleability dekha. उसके बाद conductivity देखा चाहे वो हीट की हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो उसके बाद हमने डक्टिलिटी देखा डक्टिलिटी में हमने क्या देखा हमने देखा कि हम उसकी शीट्स में मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को बट नॉन मेटल्स जैसे कि कोल उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते पतली पतली वायर्स में फिर एक और पॉइंट पे आ रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी होती हैं जब वो गिरती हैं तो साउंड क्रिएट करती हैं लाइक like, जब वो जमीन पे गिरेगी सिक्का गिरेगा वो आवाज़ करेगा कोई मेटल की चीज गिरेगी वो आवाज करेगी लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं जब वो गिरते हैं तो दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साउंड नाउ इसने बोला कि कभी आपने वुडन बेल्स देखी है टेम्पल में कि जो मंदिर की घंटियां हैं वो लकड़ी की बनी हो ऐसा आपने नहीं देखा होगा आप इसका रीजन दे सकते हो क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो साउंड नहीं क्रिएट करेंगे अगर आप उनपे हिट करोगे या उनको नीचे गिराओगे या उनको आपस में यू you नो know, हिट करवाओगे तो दे वोंट प्रोड्यूस साउंड लेकिन मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं द थिंग्स मेड ऑफ़ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड जो चीज़ें मेटल की बनी होती हैं वो एक रिंगिंग साउंड क्रिएट करती हैं जब उन पर बहुत तेज आप स्ट्रक करो या मारो सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपेयरेंस वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल सपोज आपके पास दो बॉक्स हैं बिल्कुल सिमिलर हैं देखने में एक बॉक्स वुड का लकड़ी का बना हुआ है दूसरा बॉक्स मेटल का बना हुआ है कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ क्या आप लोग बता सकते हो कि कौन सा मेटल का है जस्ट उसको स्ट्राइक करके उसको मतलब उस पर स्ट्राइक करके कुछ हिट करके सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेट टू बी सोनोरस क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उनका एक फीचर जो उनको नॉन मेटल से अलग करता है दैट इज सोनोरस ना देखो साउंड से एस SO ओ से सोनोरस याद कर लेना एन ओ आर ओ यू एस सो सोनोरस प्रॉपर्टी मतलब कि वो साउंड प्रोड्यूस करेगा जब आप उसको हिट करोगे ठीक है द मटेरियल अदर देन द मेटल्स आर नॉट सोनोरस वो मटेरियल जो मेटल के अलावा होते हैं उनको हम लोग सोनोरस नहीं बोलते तो कोल इज नॉट सोनोरस वुड इज नॉट सोनोरस आयरन इज सोनोरस कॉपर इज सोनोरस आफ्टर परफॉर्मिंग द अब एक्टिविटीज जो हमने ऊपर पढ़ी एक्टिविटी या देखी उसके बेसिस पे आप कुछ चीजें बोल सकते हो मेटेरियल्स या मेटल्स जिसे बोलते हैं जो मेटल्स बेसिकली मेटल्स की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो दे आर वेरी हार्ड जनरली लस्टरस उनके अंदर शाइन होती है मेलेबल आप उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो डक आप उनको पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो साउंड प्रोड्यूस करती हैं अगर उस पर हिट करोगे तो एंड वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की ठीक है द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हो चाहे वो लेस्चरस हो चाहे वो मेलेबल हो चाहे वो डक हो चाहे वो सोनोरस हो उनको हम बोलते हैं कि भाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है उसके बाद आते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर आयरन कॉपर एल्यूमीनियम कैल्शियम मैग्नीशियम एटसेट्रा ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके मेटल्स के ठीक है इसमें हमने आयरन कॉपर एल्यमूनियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब देखा इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड शल्फर की अगर मैं बात करूं दोनों को उठा लेती हूँ कोल शल्फर ये सॉफ्ट है डल है इनमें कोई शाइनी ने मतलब शाइन बिल्कुल भी नहीं है एंड अगर आप उनको हल्का सा भी साउंड प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करोगे शीट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो दे विल ब्रेक डाउन दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद द हैमर ठीक है अगर आप हैमर से उस पर हिट करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा टूट जाएगा दे आर नॉट सोनरस एंड आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी साउंड नहीं प्रोड्यूस करते एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते तभी तो हमारे जो जैसे तवा हो गया उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है क्योंकि वो तवा गर्म है अगर वो मेटल का बना हो तो आपको भी हाथ में गर्मी लगेगी वो तो कंडक्ट कर देगा हीट को है ना लेकिन अगर लकड़ी का बना है तो वो कंडक्ट नहीं कर पाता और इस चक्कर में हमारे हाथ में हमें गर्मी नहीं लगती दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर शल्फर कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फरस एटसेट्रा अगर मैं बात करूं नॉन मेटल के एग्जाम्पल की तो नॉन मेटल के एग्जाम्पल हुए सल्फर कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजनस एटसेट्रा समझ में आई आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अब दो एक्सेप्शन हैं उनको पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्सेप्शन पढ़ने जरूरी हैं एक्सेप्शन वो होते हैं जो उसी कैटेगरी में रह थोड़े से अलग ठीक है मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम तो सोडियम और पोटेशियम आते तो मेटल्स की कैटेगरी में है दे आर नॉट नॉन मेटल दे आर मेटल्स लेकिन आप उसको आराम से एक नाइफ से कट कर सकते हो और उसके अलावा मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपको रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे वो बिल्कुल मतलब लिक्विड स्टेट स्टेट में मिलेगा जनरली मेटल आर हार्ड ना वो लिक्विड स्टेट में तो नहीं होते लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा दीज आर एक्सेप्शन मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्शन में आएंगी जिसको हम बोलेंगे कि ये थोड़ी अलग है ठीक है ना तो आई एम होपिंग कि ये आपको पर्टिकुलर पार्ट क्लियर हो गया होगा इस हमने दो वीडियो में ना मेटल्स की जितनी भी क्वालिटीज हैं चाहे वो मेलेबिलिटी हो चाहे वो कंडक्टिविटी हो चाहे वो सोनरस चाहे वो डक्टिलिटी हो ये सब कुछ कवर कर दिया है लस्टरस मतलब जिसमें शाइन होती है हार्ड मतलब ऑब्वियसली जो हार्ड होते हैं सॉफ्ट नहीं होते एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम कवर कर चुके हैं एंड हम लोग एक्सेप्शन भी पढ़ चुके हैं सोडियम पोटेशियम एंड मरकरी की कि वो मेटल होते हुए भी क्यों अलग ठीक है नेक्स्ट पार्ट में हम इसी वीडियो इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ेंगे ऑल्सो एक चीज जो आपको ध्यान रखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपको लगता है कि मुझे डिटेल में और पढ़ना है तो एथ साइंस की आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं वहां पे आपको ये सारे पार्ट मिलेंगे मतलब टॉपिक वाइज पार्ट वाइज आपको हर एक चीज मिलेगी एनसीआर कवर्ड है और जनरली एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाएंगी आपको शायद माइंड मैप भी मिल जाए उसके अलावा आप लोग एर्थ की हिस्ट्री एर्थ की ज्योग्राफी और सिविक्स की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी शेयर कर दूंगी और बाकी आपको अगर किसी और क्लास की साइंस की वीडियोस जनरली देखनी है या एसिस टी की वीडियोज़ देखनी है तो आप उनको भी देख सकते हो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी है थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच